हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जिला कलेक्टर ने की प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता में पत्रकारों को बताया कि जिले में सभी 5 आरओ केंद्रों पर होंगे महिला बूथ पिंक रंग के साथ गुब्बारों से सजे होंगे। मतदान केंद्र जिले में 1356 बूथों पर होगा मतदान। वहीं जिले में 133 सेक्टर ऑफिसर गहनता से रखेंगे निगरानी। जिले में 2 पर्यवेक्षक आ गए हैं, जिसमें एक को 3 विधानसभा और एक को 2 विधानसभाओं के प्रत्याशियों के साथ खर्च का हिसाब किताब रखने की निगरानी के लिए जिले का दौरा कर रहे हैं। 12 से 14 तक जिले के विभिन्न केंद्रों और गांवों का दौरा करेंगे। उसके बाद जिले की वीडियोग्राफी टीम सहित पुलिस की नाकेबंदी पर निगरानी रखी जा रही है। जिला कलेक्टर ने सभी पत्रकारों को निर्वाचन विभाग का एक के बारे में भी बताया है। साथ ही मतदान केंद्र पर मतदान की पहचान के लिए एक विशेष टीम को रखा गया है, जिससे फर्जी वोट देने वालों पर नकेल सकने की कोशिश की जाएगी। जालौर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।